हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़ लाइव 24। फ्रेंड्स, आज आया हुई एक और न्यूज की का नोटिफिकेशन लेके जो शिलोंग निग्रीम से निकल के आया है, बहुत अच्छा खासा नोटिफिकेशन है। वीडियो में बहुत सारे इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को स्किप किया तो ये सारे बात आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और आप लोगों को अप्लाई करने में दिक्कत होगा। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कब आप लोगों का अप्लाई कर शुरू है, कब इसका लास्ट डेट है, एडमिट कार्ड कब है, कब मिलेगा और इसका एग्ज़ाम कब मिले, एग्ज़ाम का डेट कब मिलेगा और इसके रिगार्डिंग और भी डिटेल्स तो कब मिलेगा, ये सारे बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस पूरी वीडियो आप लोग देखिए। तो फ्रेंड्स, अब आ रहा हूँ मेन पॉइंट पे। देखिए आप लोग, जो निग्रीम शिलोंग रिक्रूटमेंट 2022, निग्रीम शिलोंग से ये नोटिफिकेशन आया है, तो बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है ये शिलोंग का जो निग्रीम्स, और यहाँ पे बहुत जो पोस्ट निकल के आया है बहुत अच्छा खासा पोस्ट है। तो देखिए, पोस्ट का नाम है, नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट का नाम है नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट है 231 पोस्ट। अनरिजर्व के लिए 95 पोस्ट, एससी के लिए रिजर्वेशन है 34, एसटी के लिए 17, ओबीसी के लिए 62 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पोस्ट आया है। इसका एज लिमिट है नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जिस दिन आप लोगों का एप्लीकेशन ख़त्म होगा उस दिन तक आप लोगों का जो एज है 35 ईयर्स के अंदर होना चाहिए, इसके ज़्यादा हो तो नहीं चलेगा 35 ईयर्स का। इसका जो पे है यानी कि सैलरी आप लोगों का मिलेगा पे मैट्रिक्स लेवल सेवन का जो पे मैट्रिक है ये मिलेगा, इसका जो 1900 आप लोगों का मंथली सैलरी मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए मेट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और बोर्ड की तरफ से आप लोग मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए, HS LC पास होना चाहिए। दूसरा जो क्वालिफिकेशन चाहिए, कैंडिडेट इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवेटरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर मेल नर्सेज, जो मेल नर्स है मिडवेटरी और नर्सिंग का जो बोर्ड है उस बोर्ड की तरफ से आप लोग जनरल नर्सिंग कोर्स पास होना चाहिए फॉर मेल नर्सेस, मेल के लिए ये पोस्ट है। इसके बाद शुड बी रजिस्टर्ड एज ए ग्रेड नर्स, जो लोग पास है नर्स पास वो लोग ए ग्रेड नर्स पास होना चाहिए एंड मिडवेटरी विथ स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर मेल नर्सेस, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मेल नर्स होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई फॉर निग्रीम शिलोंग रिक्रूटमेंट, आप लोग कैसे अप्लाई करें? सबसे पहले आप लोग इम्पोर्टेंट वेब लिंक सेक्शन में जाना होगा, उसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर दिया गया है यहाँ पर आप लोगों का क्लिक करना होगा, उसके बाद एक न्यू वेब पेज खुल के आप लोगों के सामने आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करना है, सिलेक्ट योर डिजायर पोस्ट, आपको जो पोस्ट में अप्लाई करेंगे वो पोस्ट आप सिलेक्ट करना है। ऑल पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स, इसके बाद आप लोगों का जो पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स है वो भी फिल करना होगा, भरना होगा एंड अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों का जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वो डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट में दिया गया है सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आप लोगों का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे एक सबमिट बटन मिलेगा, उस बटन में आप लोग क्लिक करना होगा। इसके बाद एट द एंड टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, सब खत्म होने के बाद आप लोगों का जो प्रिंट आउट करना होगा, आप लोग का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिंट आउट करना पड़ेगा कि फर्दर यूज़ के लिए आप लोगों का बाद में यह एप्लीकेशन फॉर्म काम आएगा। इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर निग्रीम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022, इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पे दिया गया है, रजिस्ट्रेशन पेज विल बी अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट्स टू
वैलिडेट दिया डाटा फ्रॉम 8 अक्टूबर 2022 टू 18 अक्टूबर 2022, यानी कि आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यह फॉर्म फिलअप करने का डेट है 8 से शुरू होगा और 18 तक चलेगा। तो 8 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक आप लोगों को अप्लाई करना होगा। इसके बाद दिया गया है सेंटर बुकिंग फॉर द एग्जामिनेशन एंड स्लॉट कन्फर्मेशन फ्रॉम 19 अक्टूबर 2022 टू 30 अक्टूबर 2022। यहाँ पे कहा गया है आप लोगों का जो सेंटर चूज करना है, कहाँ पे आप लोग एग्जाम देना है, यहाँ पे सेंटर कहाँ देना है, ये सेंटर चूज आप लोग 19 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आप लोग सेंटर चूज कर सकते हैं। इसके बाद इशू ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड टू द कैंडिडेट्स फ्रॉम 2 नवंबर 2022 टू 8 नवंबर 2022, आप लोगों का एडमिट कार्ड मिल जाएगा 2 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक आप लोगों का एडमिट कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद दिया गया है कैंडिडेट्स क्वेरी रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म 9 नवंबर 2022 टू 12 नवंबर 2022। अगर आप लोग एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग और भी कुछ जानना है तो इसलिए आप लोग 9 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक आप लोग जान सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग यहां पे जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखें 8 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके पहले आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना और दूसरों को शेयर करके दूसरों का मदद करना। और अगर आप लोग नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि मैं इस तरह की और भी वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।